आज के दिन का बहुत दिनों से सब लोगों को इंतजार था। आज का बजट इलेक्शन को ध्यान में रख कर के आएगा या नहीं? आज के बजट की इलेक्शन पे क्या इम्पेक्ट आएगी, ये सब लोग सोच रहे थे। डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो हम ऐसा सोचते थे एग्जम्पशन लिमिट बढ़ा के 5 लाख की जाएगी, लेकिन सब लोग ऐसा ही मानते हैं कि एग्जम्पशन लिमिट बढ़ा के 5 लाख की है, लेकिन 87A का रिबेट बढ़ा करके 12,500 किया है, नहीं कि एग्जम्पशन लिमिट। आपका इनकम 4,99,000 है तो आपको कुछ टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। आपका इनकम 5,01,000 हो जाता है तो आपको 2,51,000 पे टैक्स भरना है, नहीं कि 1,000 पे। आपका नेट इनकम देखना है, इन शॉर्ट 1,50,000 का ETC का डिडक्शन एंड 5 लाख तक का आपका अदर इनकम मिला के 650 तक कुछ भी टैक्स नहीं आता है, लेकिन उससे बढ़ जाएगा तो आपको 2,50,000 से अबोव यानी अप टू 5,05%, 5 to 10,20% एंड 10,30% आपको टैक्स भरना है। 87A का रिबेट 12,500 है, वो आपको भूलना नहीं है, वरना पूरे साल में क्लाइंट आपको परेशान करेंगे, सर जी 5 लाख तक एग्जम्पशन लिमिट है, मेरा इनकम 6 लाख है, मैं 1 लाख पे टैक्स भरूंगा। तो उसको आपको समझाना पड़ेगा कि एक बार 5 लाख से बढ़ गया तो एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख ही मिलता है। अभी तक हम एजुकेशन सेस 3% भर रहे थे, अभी वो बर्डन बढ़ गया है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम से अभी हमें 4% टैक्स पे सेस भरना रहेगा। सैलराइड पर्सन जो 16 में डिडक्शन 40,000 क्लेम करते थे इरिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल एक्सपेंडिचर, उसको एक्सपेंडिचर देखना नहीं था, उसको 40,000 का डिडक्शन मिलता था, वो बढ़ा के अभी 50,000 का कर दिया है। ग्रेचुइटी का जो 10-10 का एग्जम्पशन 10 लाख था उसको बढ़ा के 30 लाख कर दिया है। हाउस प्रॉपर्टी में पहले हम एक ही मकान को SOP ट्रीट करके GAV नील करते थे यानी उस पर टैक्स नहीं भरते थे, अभी वो बेनिफिट एक से लेके दो मकान तक बढ़ा दिया है। अप टू टू हाउस यू कैन क्लेम SOP GAV नील, नो टैक्स लायबिलिटी इफ बोथ हाउस यूज फॉर द सेल्फ ऑक्यूपाइड, आप ही रहते हो तो दो हाउस में आपको नील GAV ले सकते हो। बिल्डर को मकान कंप्लीट होने से उसी ईयर के एंड के 1 साल तक वो मकान बेचना था, वो 1 साल को बढ़ा के अभी 2 साल कर दिया है। बिल्डर का मकान कंप्लीट होता है, कंप्लीशन सर्टी आता है, वो ईयर खत्म होते 2 साल के अंदर उसने स्टॉक इन ट्रेड वाला मकान नहीं बेचा है तो उसको नॉमिनल डीम्ड रेंट चार्जेबल होगा। पहले 1 साल था, उसको बढ़ा के 2 साल किया है। 54 में कैपिटल गेन जो पहले एक मकान तक का एग्जाम मिलता था वो भी आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ तक का है तो दो मकान का 54B का बेनिफिट ले सकते हो। 80IBA डिडक्शन हाउसिंग प्रोजेक्ट 2016 से लेकर 2019 तक अप्रूव करवाया है, 5 साल में कंप्लीट हो गया है तो उसका 100% प्रॉफिट एग्जम था। अभी वो 31 मार्च 2019 का लिमिट बढ़ा के अप्रूवल डेट 1/4/2020 कर दिया है। 80TTB, 80TTA में पोस्ट ऑफिस सेविंग इंटरेस्ट, बैंक सेविंग इंटरेस्ट 10,000 तक एग्जाम मिलता है, उसमें सीनियर सिटीजन का ऐड करके 80TTB इंसर्ट करके सीनियर सिटीजन को ये बैंक इंटरेस्ट एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग इंटरेस्ट का 50,000 तक का डिडक्शन का बेनिफिट दिया हुआ है। प्रोपराइटरशिप है, प्रीवियस ईयर में ऑडिट था, और पार्टनरशिप है तो ऑडिट देखने की जरूरत नहीं है, कई लोग पार्टनरशिप में भी देखते हैं प्रीवियस ईयर ऑडिट था या नहीं, लेकिन
पार्टनरशिप में ऑडिट देखने की जरूरत नहीं है, दोनों को 194A में पहले 10,000 के ऊपर इंटरेस्ट पे करने के टाइम टीडीएस काटना था, अदर देन सिक्योरिटी वाला जो 194A है ना, अनसिक्योर लोन और बैंक इंटरेस्ट में पहले 10,000 के ऊपर टीडीएस काटना था, नाउ एक्सपेंस इंक्रीज देन 40,000 देन ओनली टीडीएस इज रिक्वायर्ड। 194I में रेंट पे पहले लिमिट 180 था, वो बढ़ा के 240 कर दिया है। हमारा कंप्लेन रहता है कि भाई हमारा टीडीएस का रिफंड टाइम से नहीं आता है, सेलेराइट पर्सन फोन करके हमको थका देते हैं, समय रिफंड कब आएगा। लेकिन उसका भी कंप्लेन का सॉल्यूशन निकाल के इजी एंड फास्ट ई प्रोसेसिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करके आपने जो रिटर्न भरा है वो 24 घंटे में प्रोसेस हो जाए और जल्द से जल्द आपको रिफंड मिल जाए, वो भी इलेक्ट्रॉनिकली सिस्टम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। वेरिफिकेशन, इन्वेस्टिगेशन, असेसमेंट, वो सब पूरा ई प्रोसेस हो जाएगा, पर्सन को इनकम टैक्स जाने की जरूरत नहीं रहेगी, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस विद इन 2 ईयर्स स्टार्ट हो जाएगा। वैसे इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी में तो रेगुलर काउंसिल मीटिंग होती है, अमेंडमेंट आते रहते हैं, तभी भी बजट में ऐसा सजेशन दिया है कि हाउसिंग प्रॉपर्टी के परचेस करने वाले बायर को बेनिफिट मिलना चाहिए, उसका जीएसटी का रेट कम करना चाहिए। जो डीलर 5 करोड़ से टर्नओवर उसका कम है उसको रिटर्न क्वार्टरली भरने हैं, मंथली नहीं। 90% डीलर का टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है उसको एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज में जब फंडिंग का लोन लेना है उसमें 2% इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा। कैपिटल गुड्स में 36 कैपिटल गुड्स का कस्टम ड्यूटी एबोलिश किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये बजट में बहुत सारे बेनिफिट मिले हुए हैं, उसको ध्यान में रख के सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया हुआ है, और ऐसा ही वीडियो गुजराती में भी आपको अपलोड किया हुआ है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।